गाइस आज हम बात करेंगे जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म पोखरण के बारे में, जहाँ परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। इस फिल्म के राइटर है संयुक्ता चावला शेख, संयवान कुरदास और अभिषेक शर्मा। इस फिल्म को डायरेक्ट भी अभिषेक शर्मा ही कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले तेरे बिन लादेन और लादेन का पार्ट टू भी डायरेक्ट किया था। परमाणु में लीड रोल में है जॉन अब्राहम और डायना पेंटी। डायना पेंटी पहले भी कई फिल्मों में नजर आ चुकी है और कमर्शियल एड्स में भी नजर आ चुकी है। डायना पेंटी ने कॉकटेल से डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट नॉमिनेशन फॉर डेब्यू फीमेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। उनका ऑपोजिट कास्ट हुए जॉन अब्राहम ने भी अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड हासिल कर लिया था। इस फिल्म में साइड रोल के लिए है साद रंधावा, पवन मल्होत्रा, बदमन ईरानी, अर्जुन बाजवा, दिव्या दत्ता, इतने सारे को एक्टर्स है। इस फिल्म का शूट लोकेशन है राजस्थान, जैसलमेर और ऑफ कोर्स पोखरण। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है सचिन जीगर ने। परमाणु फिल्म जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट और क्रिया आर्च एंटरटेनमेंट साथ में प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन जॉन अब्राहम से हुई अनबन के कारण क्रिया राज एंटरटेनमेंट के साथ जॉन अब्राहम ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। ये फिल्म बेस्ड है इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, जो 11 में 1998 से 13 में 1998 तक चल रही थी। उसमें उस टेस्ट के बाद इंडिया को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया गया था और इंडिया उन 6 देशों में शामिल हो गया जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। न्यूक्लियर टेस्ट उस वक्त पोखरण के थर रेगिस्तान में हुई थी, इसलिए उसे पोखरण 2 नाम दिया गया। तो यार पसंद आए तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।